मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ देर के लिए सोलन में रुके। सोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखी और सोलन की समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में बेहद मजबूती से आगे बढ़ रही है और वह केंद्र के सहयोग से लगातार जनहित में कार्य कर रही है। जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के निर्णय पर कांग्रेस द्वारा भाजपा को निशाने पर लेने की बात पूछी तो उन्होंने कांग्रेस पर कई तीखे प्रहार किए और कहा कि दूसरे पर निशाना साधने वाली कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 माह में केंद्र से 4,365 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता प्राप्त कर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है और उनके पास अब भाजपा को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए उनके नेता अब आपस में ही उलझे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी है कि उन्होंने भाजपा सरकार पूरी तरह से संभाली हुई है और अपने कांग्रेस पार्टी को संभालें। देखिए, उनके निशाने का कोई अभिप्राय नहीं है, अभी तो वो अपने आप में ही एक दूसरे को निशाना बना करके चले हुए हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत है। पिछले 6 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी छोटी मोटी बातों के सिवाय जहां उनको मौका मिला किसी बड़े मुद्दे पर जो है वो सरकार को जो है वो घेरने की स्थिति में नहीं हो पाई है। हम केंद्र में गए, प्रयास उड़ाने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और वहां मंत्रियों को मिलते हैं और उसके बदले में प्रदेश को कुछ नहीं मिला। आज की तारीख में बोलने की स्थिति में नहीं, आज तक के इतिहास में 5 महीने की सरकार में 4,365 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से लाना, ये मुझे लगता है कि जो अपने आप को बहुत बड़ी बातें कहते थे उनके लिए एक संदेश है। हम काम करने में विश्वास करते हैं और आगे भी काम करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति वर्तमान में है उसमें कोई बात छुपी नहीं है और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि उनको अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। सरकार हमने संभाली हुई है।